नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। जी हां साथियों, मलेशिया वाले बहुत ज़्यादा इंक्वायरी जा रही है। इसमें बेनिफिट साथियों बता दूं, फ़्लाइट में 9 जून से स्टार्ट हो रही है। 9 जून से स्टार्ट होकर 23 जून तक फ़्लाइटों का शेड्यूल रहेगा साथियों। में 11 फ़्लाइटों का शेड्यूल मात्र और मात्र दिया गया है। 9 जून से 23 जून के बीच में 11 फ़्लाइटों का शेड्यूल है। इसमें डिटेल से मैं 3 मिनट में पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। इसमें बता दूं भाई, बेनिफिट उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो बता दूं जनवरी के बाद में जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए हैं, जो विजिट में गए थे या परमिट कैसे भी गए थे, जिनका जनवरी के बाद यानी 2020 में जिनका वीज़ा एक्सपायर हुए हैं, उनके चांसेस बन रहे हैं इस फ्लाइटों में आने के लिए। और 2019 यानी दिसंबर लास्ट तक 2019 उनके वीज़ा एक्सपायर हुए हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है भाई। वो स्पेशल पास से अपने तरीके से उनको अलग तरीके से आना होगा। बाकी 2020 वाले वीज़ा एक्सपायर वाले इसमें आ सकते हैं। ये मलेशियन गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखी है, आप सबको पता ही है। इसमें मैं बता दूं भाई, पूरा इसमें दिया गया है, इंडियन एम्बेसी का कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, किस तरह से आपको वेरीफाई करना है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो अगर आपके पास एम्बेसी से कॉल आ जाता है तो आप भाई कॉन्टैक्ट कर ले, पूरी इंक्वायरी करने के बाद आप इसमें अप्लाई करें। पैसा वैसा कहाँ देना है, किस तरह से होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम तो एम्बेसी के थ्रू होना है, आप टिकट बुक तो सीधा नहीं कर सकते ना। तो पूरी डिटेल दी गई है, 2 लेटर हैं इसमें, इंडियन एम्बेसी का, मलेशियन इंडियन एम्बेसी का लेटर दे रहा हूं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये कोई इवेज वैसे नहीं है उठाया हुआ कि 100% गारंटी के साथ ये सच न्यूज़ है जो मैं बताऊंगा। स्क्रीन पे आपको दोनों बातें शेयर कर दूंगा, उसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए भाई पूरी बातें, उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए। 3 मिनट में वीडियो टिकट का शेड्यूल आपको मैं बता देता हूँ। इसमें साथियों बता दूँ, फर्स्ट फ्लाइट है 9 जून को। जी हाँ साथियों, जो कोलालंपुर से निकलेगी फ्लाइट है, आपको पता भाई मलेशिया में तो कोलालंपुर के अलावा कहाँ से निकलती है फ़्लाइट, कोलालंपुर की है, इसके अलावा तो फ़्लाइटों का ऑप्शन ही नहीं बचता। ये साथियों दिल्ली के लिए है। जी हाँ साथियों, ये फ़्लाइटें दिल्ली के लिए, तो भाई हो सकता है कुछ राजस्थानियों का नंबर आए, हरियाणवी को नंबर आए, या पंजाबी हैं उनके नंबर आ सकते हैं दिल्ली की फ़्लाइट में। मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है यूपी बिहार वाले भी आ जाएँ इसमें, क्योंकि ज़्यादा फ़्लाइट है तो क्या 150 के करीब यात्री पहुँचेंगे इसमें, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। आगे बात कर लेते हैं भाई, 10 जून की जो फ़्लाइट है मैं बता दूं बॉम्बे के लिए है। जी हाँ साथियों, 10 जून को बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है। 11 जून को साथियों जो कोलालंपुर से तिरची के लिए, चेन्नई के तिरची के लिए फ़्लाइट है साथियों। 12 जून की भाई चेन्नई के लिए फ़्लाइट है कोलालंपुर से। 13 जून को भाई मदुरई से, मदुरई है शायद केरला कोची का है, उधर की फ़्लाइट है। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं भाई, 14 की कोई फ़्लाइट नहीं है। 15 जून की साथियों फ़्लाइट है कोचीन के लिए। जी हाँ साथियों, ये कोचीन की फ़्लाइट है, केरला कोचीन की फ़्लाइट है बता दूं। फिर साथियों 15 के बाद में सिद्धि 20, यानी 5-4 दिन बीच में गैप है, 20 जून की फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। एक फ़्लाइट और है साथियों दिल्ली के लिए, तो भाई राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणी, इनका नंबर दिल्ली वाली में ही आएगा, ये मैं बता दूं आपको। 20 जून को साथियों जो फ़्लाइट है ये है तिरची के लिए, चेन्नई कोची तिरची के लिए फ़्लाइट है। 21 जून की जो साथियों फ़्लाइट है वो हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है भाई बता दूं आपको। 22 जून को है कोलालंपुर से फ़्लाइट है साथियों बेंगलुरु के लिए, जो बेंगलुरु फ़्लाइट पहुंचेगी। 23 जून की साथियों फ़्लाइट है चेन्नई के लिए। जी हां साथियों, तो 11 फ़्लाइटों में बता दूं भाई दिल्ली की फ़्लाइटें हैं 2 मात्र और मात्र, बाकी एक फ़्लाइट है बॉम्बे की, बाकी पूरी की पूरी और 7-8 फ़्लाइटें केरला कोच्चि चेन्नई उधर की हैं, सबकी सब फ़्लाइटें। और वो तो भाई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या है पूरी इंडिया की 80% फ़्लाइटें वही हैं, उधर ही हैं। तो आप समझ गए होंगे फ़्लाइटों का शेड्यूल मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।